गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग अवर क्लास आई वॉन्ट टू विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। देखिए, आज हम लोग नोटिस राइटिंग के बारे में हम लोग सीखना चाहेंगे। नोटिस राइटिंग एक कंपल्सरी पोर्शन है हमारे बोर्ड एग्जाम का, तो ये क्वेश्चन जरूर आना है 4 नंबर का नोटिस राइटिंग। तो हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से 4 नंबर के नोटिस राइटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम गेन कर सके। देखिए, इस 4 नंबर के नोटिस राइटिंग में 3 नंबर तो हम आसानी से गेन कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन पेपर में ही दिया हुआ रहता है। थोड़ा सा हम समझ के दिमाग लगा कर बनाएं और हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस रहे तो 3 नंबर 4 नंबर आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हूँ व्हाइट बोर्ड पर। यू आर सूरज, हेड बॉय, गवर्नमेंट हाई स्कूल उर्तुम, बिलासपुर। राइट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इन्वाइटिंग नेम्स फॉर एन एजुकेशनल ट्रिप। यहाँ पर फॉर एन एजुकेशनल होगा, एन एजुकेशनल ट्रिप टू NTPC पर एंड स्मृति वन बिलासपुर। मतलब तुम सूरज हो और हेड बॉय हो कहाँ के, गवर्नमेंट हाई स्कूल उर्तुम बिलासपुर के। यहाँ से हमको बिल्कुल पता चलता है कि जो नोटिस लिख रहा है उसका नाम सूरज है और वो हेड बॉय है गवर्नमेंट हाई स्कूल उर्तुम में बिलासपुर। और तुमको एक नोटिस लिखना है, किस बारे में नोटिस से लिखना है स्कूल नोटिस बोर्ड में, इनवाइटिंग नेम्स फॉर एन एजुकेशनल ट्रिप टू NTPC पर एंड स्मृति वन बिलासपुर। और तुम्हारी स्कूल जो है वो एक एजुकेशनल ट्रिप ले जा रही है, कहाँ के लिए, NTPC पर और स्मृति वन। तो ये हम क्वेश्चन पेपर में ही क्वेश्चन जब आया रहेगा तो उसमें हम पढ़ के समझ जाएंगे कि भाई हमको नोटिस जो लिखना है वो एजुकेशनल ट्रिप के ऊपर में है और वो लिखने वाला सूरज है और जो कि हेड बॉय है और स्कूल का नाम तुमको अलग से दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने स्कूल का नाम लिख दें या अपना नाम लिख दें या अपना रोल नंबर लिख दें। क्वेश्चन पेपर में जो स्कूल का नाम दिया हुआ रहेगा वही स्कूल का नाम लिखना है और जो पोस्ट लिखा हुआ है, पद लिखा हुआ है, मॉनिटर लिखा हुआ है या प्रीफेक्ट लिखा हुआ है, कैप्टन लिखा हुआ है, कल्चर सेक्रेटरी लिखा हुआ है, सेक्रेटरी लिखा हुआ है या मॉनिटर, हेड गर्ल, हेड बॉय, जो लिखा हुआ रहेगा उनको वही लिखना है। हमको अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है, क्वेश्चन पेपर में ही वो मिलेगा। अब देखिए सबसे कैसे हम नोटिस को बनाते हैं। देखिए सबसे पहले जो स्कूल का नाम जो है क्वेश्चन पेपर में दिया उसी को लिखना है, गवर्नमेंट हाई स्कूल उर्तुम बिलासपुर। यही क्वेश्चन पेपर में ही लिखा हुआ है, हमने वही लिख दिया। वहाँ मान लो लिखा हुआ रहता है कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल DKP कोटा, तो हमको वो लिखते हैं जो क्वेश्चन पेपर में आएगा। उस वक्त कैपिटल लेटर में हमको नोटिस लिखना है, NOTICE, नोटिस कैपिटल लेटर में ही लिखना है और उसको अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद हमको लेफ्ट साइड पे एग्जाम का डेट लिखना है, जैसे आज का डेट है 4th January 2023, तो हमने 4th January 2023 लिख दिया। और उसके बाद हमको जो टॉपिक दिया हुआ रहेगा, टॉपिक क्या लिखा हुआ, जैसे एजुकेशनल ट्रिप, तो हम क्वेश्चन पेपर को पढ़ने से बिल्कुल समझ में आ जाता है कि ये जो हम जो नोटिस लिखने वाले हैं उसके टॉपिक क्या है। हो सकता है टॉपिक तुमको स्पोर्ट्स कंपटीशन हो सकता है, टॉपिक ड्रामा एंड डांस कंपटीशन हो सकता है, टॉपिक तुम्हारा एनुअल डे फंक्शन हो सकता है, टॉपिक तुम्हारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो सकता है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है टॉपिक। और इसके लिए हमको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, हम क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ लो तो बिल्कुल आसानी से हमको पता लगाया जा सकता है कि नोटिस की टॉपिक क्या होगी। तो उसके बाद हम यहाँ पर लिख दिए एजुकेशनल ट्रिप टू NTPC एंड स्मृति वन। स्पेलिंग मिस्टेक होने की संभावना ही नहीं है इसमें, जो स्कूल का नाम दिया है वही स्कूल का नाम लिखना है अपने को, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना है। नोटिस लिखा हुआ रहेगा, नोटिस के स्पेलिंग भी लिख दिए कैपिटल लेटर में, और फिर टॉपिक का नाम भी जो लिखा हुआ रहेगा वही उतारना है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है। यहाँ पर हमको डेट लिख दिया, इतना अगर हम लिख लेते हैं तो हमको 1 नंबर मिल जाएगा। देखिए इस 1 नंबर पे हमको कुछ भी याद करके जाने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन पेपर को ही हमको मालूम होना चाहिए कि उसका फॉर्मेट क्या है, नोटिस लिखने का फॉर्मेट क्या है। स्कूल का नाम कैपिटल लेटर में नोटिस, उसके बाद हेडिंग या टॉपिक और बगल में उस दिन का एग्जाम का डेट, एग्जाम का डेट, जिस दिन एग्जाम देने जा रहा है वो डेट को हमको लिखना है। इतना हमको कर लिया, हमको 1 नंबर मिल गया। उसके बाद देखेंगे हमको बीच का फॉर्मेट लिखना है, बीच के फॉर्मेट में बीच में हमको ये इसमें 2 नंबर रहता है, इस 2 नंबर को भी हम आसानी से गेन कर सकते हैं। इस बीच के फॉर्मेट या इसके जो नोटिस की जो बॉडी है इसमें क्या हुआ, क्या लिखना रहता है कि नोटिस जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में हमको इन्फॉर्म करना है।
जैसे कि हम लोग मान लीजिए इसमें तो एजुकेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं, तो ट्रिप जो है कब जाएंगे, ठीक है, कितने बजे हमको निकलना होगा, कौन से स्थान पे हमको पहुंचना होगा जाने के लिए, क्या स्कूल से ही हमारी, क्या क्या हम बस से जाएंगे या अपने व्हीकल से जाएंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन होगा, तो ये सब, और किस जगह से जाएंगे, तो वेन्यू, डेट, डे, टाइमिंग, यही सब हमको नोटिस में बताया जाता है। इसी प्रकार मान लीजिए आपका एनुअल डे कंपटीशन होने वाला है या स्पोर्ट्स कंपटीशन होने वाला है, तो स्पोर्ट्स कंपटीशन किस डेट से शुरू हो रहा है, कौन कौन से इसमें इवेंट्स हो रहे हैं, ये सब हमको उसमें बताया जाता है। डेट, टाइम, वेन्यू, यही सब हमको इसमें मेंशन करना रहता है। बहुत कठिन चीज़ नहीं है स्टूडेंट्स, अगर हमको थोड़ा सा आइडिया हो जाए लिखना है कैसे, जैसे हर बार ये लिख सकते हैं आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज, जैसे मान लीजिए एनुअल डे कंपटीशन है, एनुअल डे सेलिब्रेशन है, तो आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एनुअल डे सेलिब्रेशन। स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन है तो मान लीजिए तो आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। डांस एंड ड्रामा कॉम्पिटिशन है तो इस प्रकार से हम आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज गोइंग टू ऑर्गेनाइज लिख सकते हैं, या फिर डिफरेंट मोड पे लिखना चाहते हैं, डिफरेंट वे में लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। तो द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल ट्रिप टू NTPC एंड स्मृति वन बिलासपुर, मैंने इस प्रकार से लिखा है, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल ट्रिप, स्कूल एक एजुकेशनल ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा है, कहाँ के लिए, NTPC एंड स्मृति वन बिलासपुर, है ना, NTPC और स्मृति वन बिलासपुर के लिए। ये तुमको हमको क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाएगा। इट इज अ वन डे एजुकेशनल ट्रिप इन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12th आर अलाउड टू ज्वाइन। यह एक दिन का एजुकेशनल ट्रिप है जिसमें 9वीं से 12वीं तक के बच्चे इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रिप विल स्टार्ट ऑन 7 जनवरी 2023। तो ये देखो हमने किस डेट में बता दिया, किस डेट में ट्रिप होगा, तो 7 जनवरी को स्टार्ट होगा फ्रॉम राजेंद्र नगर हायर सेकेंडरी स्कूल। कहाँ से जगह, कहाँ से छूटेगी बस हमारी, तो राजेंद्र नगर हायर सेकेंडरी स्कूल के, अपने स्कूल का भी लिख सकते हैं, हो सकता है कि मैंने इसलिए रखा इसका नाम क्योंकि अभी हाल ही में आप लोग जाने वाले भी हैं ट्रिप पे, और वो राजेंद्र नगर से छूटेगी। हो सकता है कि ऐसे सेंटर मंगाया जाए, ऐसे सेंटर बनाया जाए वेन्यू जहाँ से बाकी स्टूडेंट्स का पहुँचना आसान हो, इसलिए ऐसा हम अपने मन से लिख सकते हैं। तुम चाहो तो अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हो। एट शार्प 8:30 AM, तो हमने देखो टाइमिंग भी बता दिया, वेन्यू भी बता दिया, डेट भी बता दिया, टाइमिंग भी बता दिया। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स शुड रजिस्टर देयर नेम्स अलॉन्ग विथ पेरेंट्स कंसेंट लेटर, और जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स की कंसेंट लेटर मतलब होता है सहमति पत्र, अपने पेरेंट्स की सहमति पत्र, पेरेंट्स मतलब माता पिता के सहमति पत्र लेकर अपने नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ये रूल्स हो गया, तो नोटिस में ही बताया जाता है कि और भी कौन कौन से रूल्स हैं, अगर मान लो स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स के क्या रूल्स होने वाले हैं, एनुअल डे कॉम्पिटिशन, उसके रूल्स, वही सब नोटिस में हमको लिखना पड़ता है। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडरसाइन, और आगे के डिटेल्स के लिए अंडरसाइन मतलब नीचे में जिसका साइन है, जिसका पद है, उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखो इतना अगर हम लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिल सकता है, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में रहें तो 2 नहीं तो कम से कम 1 नंबर जरूर इसमें प्राप्त कर लेंगे, और अच्छे से अच्छे स्टूडेंट है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा का पूरा 2 नंबर हमको मिल सकता है। ठीक है, लास्ट में हेड बॉय सूरज, तो ये भी हमको उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन पेपर में ही दिया हुआ रहा है कि हेड बॉय है या कैप्टन है कि प्रीफेक्ट है कि हेड गर्ल है, कल्चर सेक्रेटरी, जो क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा हमको वही लिखना है, और जो बच्चे का नाम, स्टूडेंट्स का नाम यहाँ लिखा हुआ है वही स्टूडेंट का नाम हमको लिखना है। यहाँ सूरज है तो सूरज ही लिखना है ना, अपना रोल नंबर नहीं लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है क्वेश्चन पेपर में, तो इतना क्वेश्चन पेपर में जो मेंशन है वही नाम को लिखना है। अगर हम इतना करते हैं तो हमको इसमें 1 नंबर मिल जाएगा, इस प्रकार से 1 नंबर इसमें, 1 नंबर इसमें, इस दोनों में तो हमको कुछ भी अपने मन से लिखना नहीं है, क्वेश्चन पेपर से ही 2 नंबर, और बीच के बॉडी जो है हमको इसमें ये पता चल जाता है कि किस किस के लिए नोटिस लिखा जा रहा है और कहाँ कहाँ जाना है। तो इसमें भी हम अगर वेन्यू, टाइम, डेट और रूल्स को लिख देते हैं तो 2 में 1 नंबर भी आसानी से ज्ञात हम गेन कर सकते हैं, इस प्रकार से 3 नंबर 4 नंबर हमको आसानी से मिल जाता है। स्टूडेंट्स आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस एंड यू हैव एक्चुअली अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच।